भाई आईपीएल का आज डबल हेडर मैच, पहला मैच एसआरएच वाला, वो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं, अगर वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, बाकी वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगी। सेकंड जो मैच खेला जाएगा रात को वो भैया दिल्ली कैपिटल वर्सेस सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों टीम्स के बीच में क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है, ड्रीम इलेवन की हमारी रणनीति की टीम क्या रहने वाली है, स्मॉल लीग टीम के लिए कौन सा यूनिक टीम निकाल सकते हो थोड़ा सा डिफरेंशियल चेंज करके, और इस मैच के लिए फिक्स प्लेयर ट्रंप कार्ड कौन से होंगे ध्यान से देखते रहना। डेविड वार्नर भाई आज सवाल उठ सकता है फ्लॉप जाने के चांसेस में, साथ में मिचेल मार्श दोनों से कोई ना कोई फ्लॉप जाएगा, कैसे और क्यों ये आपको बताऊंगा आगे, बस वीडियो में ध्यान से देखते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की यहाँ पर प्रेडिक्शन होने वाली है। ग्रैनी के लिए आप यहाँ पर रिकी भुई को ड्रॉप करने के सोच रहे होंगे, पर यही प्लेयर आज के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो सारी चीजें जितना भी मैटर आपको ग्रैनी की टीम बनाने के लिए चाहिए वो आपको इस वीडियो से मिलने वाला। बस रिक्वेस्ट आपसे एक ही, वीडियो पर एंड तक बने रहो, बिना स्किप करके वीडियो को देखते रहना, ठीक है। और जो भी भाई लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह के वीडियोस और नए नए आइडियाज आपको ग्रैनी के लिए मिलते रहे हमारे चैनल से, तो साथ क्या नाम है वीडियो को लाइक करना जरूर ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, बाकी जो लोग फेसबुक पर देख रहे हो वो पेज को लाइक कर देना, ठीक है। ये मैच खेला जा रहा है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में मैच नया ग्राउंड आ चुका है, इस ग्राउंड पे क्या क्या रहने वाला सब कुछ आपको बताऊंगा। रिसेंट में देखा जाए दिल्ली ने दो मैच खेले दोनों हारे, चेन्नई ने दो खेले दोनों जीते हैं, ठीक है। और इनका हेड टू हेड भी आप देखोगे तो टोटल दोनों टीम्स में 10 मैच पे क्या नाम है डीसी जीती है दिल्ली कैपिटल, और 19 मैच पे चेन्नई जीती है, और रिसेंट के जो लास्ट के 10 मैचेस है दोनों टीम्स के बीच में उनमें भैया चार मात्र डीसी जीती है और 6 यहाँ पे चेन्नई जीती है, तो कहीं ना कहीं चेन्नई काफी आगे है। उम्मीद करता हूँ आज भी दिल्ली की टीम फिर से आ रहे, देखते हैं क्या होता है इस मैच में, ठीक है। तो एक एक चीज डिस्कस करेंगे, पूरा ग्रैनिक का जो मामला वो सारा कवर करने वाले हैं। टोटल इस ग्राउंड पर 13 मैचेस खेलेंगे, ठीक है, 13 मैचेस खेलेंगे, टीम बैट फर्स्ट 6 और 7 सेकंड में जीती है, तो ज्यादा इंपैक्ट इस चीज का पड़ेगा नहीं मुझे लगता, देखते हैं बाकी अगर पड़ता है तो क्या होता है क्या नहीं होता तो उसके बाद देखा जाएगा। इस ग्राउंड पर एक एवरेज स्कोर मान के चलो 157, हालांकि ग्राउंड थोड़ा सा स्लो है मगर रन यहां पर बनते हैं भाई, यहां पर भी रन बनते हैं, 157 का एक एवरेज स्कोर है, आपको इस मैच में भी कुछ अच्छा जरूर दिखेगा, ठीक है। और इस ग्राउंड पर टोटल 6 मैचेस 150 से नीचे 6 बार स्कोर गया और 170 तक 2 बार गया हुआ है, ठीक है, और 190 तक 3 बार गया और 190 प्लस भी यहां पर 2 बार गया, यानी यहां पर रन भाई इस ग्राउंड पे भी बनते हैं, ठीक है। और लास्ट के 10 मैचेस की बात करें तो लास्ट के 10 मैचेस में भैया 54 विकेट यहां पर पेसर्स को मिले हैं और 35 विकेट यहां पर स्पिनर्स को मिले हैं, स्पिनर्स गेम में रहेंगे। इस मैच में जडेजा 2 मैच चेपॉक में खेला था, दोनों में से 1 में विकेट ले लिया, आज के मैच में क्या करेगा उसको भी ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो ये तो था भैया ग्राउंड का मामला, अब देख लो हेड टू हेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अपनी अपनी टीम के लिए लास्ट के 5 मैचेस में से डीसी 1 मैच जीती है मात्र, ठीक है, इस सीजन में तो 1 भी नहीं जीतेगा, पिछले सीजन में जीती थी। और ये चेन्नई वाले अपना 1 भी मैच नहीं आ रहे, 5 के 5 जीत के आ रहे लास्ट, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज है भैया चेन्नई को, बाकी देखना होगा क्या होता है भाई। फिक्स प्लेयर कौन से रहेंगे, ट्रंप कार्ड कौन से रहेंगे वो भी आपको बताऊंगा। अब यहां से बात करते हैं एक एक सेक्शन, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, चारों सेक्शन कंप्लीट करूंगा। जो लोग क्या नाम है ग्रैनी टारगेट कर रहे हो उनके लिए चीजें काफी इंपॉर्टेंट करती है, और या फिर जो लोग स्मॉल लीग में एक यूनिक टीम बनाना चाहते हो सबसे हट के बिना कॉपी पेस्ट किए तो उनके लिए भी काफी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं भैया स्टैट्स गुरुजी फैंटेसी टैलेंट हब श्योर शॉट बहुत वाले हैं, क्या नाम आपका कई है यार किसका नाम लिया जाए, ठीक है, तो अब उनकी टीम कॉपी करके जो जाते हैं उनके लिए अच्छा है वो कॉपी करके जाओ, बट जो थोड़ा सा यूनिक बनाना चाहते हो वो चीज को देखना, ठीक है। ऋषभ पंत हालांकि मैं लेना नहीं चाहता था मगर मजबूरी है लेनी पड़ेगी हर हाल में, ठीक है, ऋषभ पंत रखना ही पड़ेगा। बाकी जो लोग ग्रैनी पर्पज से देख रहे हो और चेन्नई आपको पहले बैट करते हुए दिखे तो भैया आज MS धोनी को ट्राई कर सकते हो, हालांकि इसका नंबर आने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है, 10-15-20 रन भी कर गया अगर, क्योंकि इनके बॉलर्स में भी इतना दमखम नहीं है कि जो यहां तक धोनी तक बैटिंग ले आए, बट एक टीम में स्टिल कम से कम रख के जरूर रखना, 10 टीम लगा रहे हो 10 में से एक टीम में रखने में कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर बैट फर्स्ट करती है तो, सेकंड में तो बिल्कुल भी नहीं लेना, फिर तो ऋषभ पंत आंख बंद करके। अब आ जाओ बैटिंग सेक्शन से, बैटिंग से भैया यहां से डेविड वार्नर, रिकी भुई, टी स्टब्स पिछले मैच में खाता रख लेना कामयाब प्लेयर बनेगा, आज यहां से ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे और रिजवी, ये प्लेयर आपको 5 नजर आने वाले चेन्नई से, ठीक है। अब देखो गायकवाड़ का मामला ठीक ठाक बन सकता है इस मैच में, बाकी दूसरा यहाँ पर शिवम दुबे ये भी आपको ठीक ठाक पॉइंट दे सकता है, रचिन रविंद्र पे आज थोड़ा सा डाउट रहेगा क्योंकि पिछले 2 मैचेस में यही रीजन है कि पिछले 2 मैच में तगड़ा परफॉर्म करके आ रहा है और सामने बॉलर्स में आपको क्या नाम है नॉटेजी दिखेगा जिसका रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है, तो मेरे हिसाब से ड्रॉप करने का रिस्क उठा सकते हो ग्रैनी की टीम से, बाकी देखना होगा सारी टीम से मत उठा देना मगर स्मॉल लीग में आपको रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और रहाणे को आज के मैच में ट्राई कर सकते हो शिवम दुबे की जगह, या फिर गायकवाड़ को ड्रॉप करके शिवम दुबे, क्या नाम आपका रहाणे, और यहां से डेविड वार्नर या रिकी भुई, इस तरह की टीम्स बना सकते हो क्योंकि रिकी भुई का भी रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छा है,
ठीक है, एवरेज क्योंकि डोमेस्टिक मैच खेलता रहता है तो यहाँ पे इस ग्राउंड पे खेलने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। बाकी स्टेप्स को थोड़ा सा कम ही सजेस्ट करूंगा आज के मैच के लिए, तो क्या होता है। ठीक है, तो ये थे भैया विकेट कीपर बैट्समैन। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स। उससे पहले गाइस आप लोग अभी भी अपना हेड टू हेड 3 मेंबर का इन्वेस्टमेंट अगर अदर एप्लीकेशन पर कर रहे हो तो भाई आ जाओ विजन 11 पे, डाउनलोड कर लो जल्दी से, ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, साथ में रेफरल कोड चंद वन टू यूज करोगे 500 रुपीज का वेलकम बोनस मिल जाएगा। एक तो एंट्री फीस कम है, प्लस यहाँ पे ग्रैंडिंग के चांसेस थोड़ा सा हाई है और कॉम्पिटिशन आपको लो दिखेगा, तो काफी अच्छी ऐप है, विद इन सेकंड आपको विड्रॉल मिल जाता है। अब आ जाओ मिचेल मार्श भैया, अगर बॉलिंग करता तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता। ठीक है, आज के मैच में जैसे मैंने बोला रिस्क लेते हुए या तो मिचेल मार्श या डेविड वॉर्नर, दोनों में से एक को ही रखना है, तो 50% टीम्स में मिचेल मार्श को रखना, 50% टीम में डेविड वॉर्नर को रखना, दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके जरूर चलना, आज कोई ना कोई उड़ेगा। ठीक है, साथ में अक्षर पटेल ये आपको आज हो सकता है कम से कम एक विकेट और कम से कम 20-25-30 रन का स्कोर करता हुआ दिख जाएगा, तो आपका ड्रीम टीम का प्लेयर इसने बनना ही है अक्षर पटेल, तो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एस कुमार को सजेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। बाकी सेम सिचुएशन जडेजा के साथ भी है, ये भी आज आपको 20-25-30 रन का स्कोर प्लस आपको एक आध दो विकेट निकाल के दे सकता है, और पिछले दो मैचेस चेन्नई में हुए थे वहां विकेट भाई स्पिन को बहुत कम मिलती है। ठीक है, स्पेशल इनकी टीम से तीक्ष्ण हो गया, जडेजा हो गया, इनको विकेट वहां कम ही मिलती है, आज इस ग्राउंड पे आज विकेट मिलने के चांसेस हाई है, तो जडेजा इंपॉर्टेंट। बाकी डैरिल मिचेल के साथ सॉरी अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो आपके लिए डैरिल मिचेल काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि दो एक ओवर भी करेगा प्लस मिडिल ऑर्डर बैटिंग करेगा, तो आपको कहीं ना कहीं फैंटेसी वैल्यू देके जाएगा। अगर टीम बाद में बैटिंग करती है, पहले दिल्ली वाले बैटिंग करते हैं, तो भाई डैरिल मिचेल की परसेंटेज जिस हिसाब से है ना ड्रॉप करके चलना, आपको मे बी इसका फायदा मिल जाए। ठीक है, तो डैरिल मिचेल थोड़ा रिस्की रहेगा आज के मैच में, सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। अब आ जाओ भैया बॉलिंग से आपको कैसे कैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रखने, और अगर वीडियो पसंद आती हो हमारी तो भाई वीडियो को लाइक कर दे करो, बट कई लोग यहाँ पे ऐसे जो हमारी वीडियो देखते हैं मगर ना तो लाइक ना तो सब्सक्राइब, भाई दोनों फ्री हैं कर दिया करो, किसी का कुछ नहीं जाता, आपको कोई फर्क ना पड़े, हमें बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, कुलदीप यादव भाई ये प्लेयर तो जबरदस्त है। ठीक है, ग्राउंड में स्पिन को मदद भी कम है, और जब ये टीम खेलती है चेन्नई के साथ तो कुलदीप यादव का मामला पता नहीं क्या हो जाता, थोड़ा सा ठप जैसा हो जाता है, इसको विकेट बहुत कम मिलती है, ये मान के चलो मे भी एक विकेट मिल जाए और हो सकता है एक भी ना मिले। ठीक है, उसके बाद आजा नॉट जी, इसको बहुत कम ले रहे हैं, ना के बराबर लोग ले रहे हैं, इस बंदे का ग्राउंड और हेड टू हेड रिकॉर्ड जबरदस्त है, आज के मैच में लेके चलना। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो। बाकी यहां से बात करें तो क्या नाम आपका मुकेश कुमार और खलील अहमद। ठीक है, मुकेश कुमार का भी एक मिला जुला मामला है, ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, इसकी जगह आप खलील अहमद को ज्यादा ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो खलील अहमद मस्त रहेंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहां से दीपक चहर, एम रहमान और साथ में तुषार देशपांडे का भी समय आ चुका है, 2-3 विकेट लेने वाले मैचेस आ चुके हैं, तो मे भी आज ही ले जाए। साथ में आपका यहां पे एम रहमान आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दीपक चहर को थोड़ा कम सजेस्ट करूंगा, और दीपक चहर को ले रहे हो ना, दीपक चहर लेने का मतलब यहां से डेविड वॉर्नर मिचेल मार्श दोनों में से किसी को खतरा। ठीक है, और दीपक चहर भाई ले भी जा सकता है, 2-3 विकेट बड़े प्यार से लेके जा सकते हैं, दिल्ली का मैच है, ओपनिंग में स्टार्टिंग में बेस्ट लेके जा सकता है, तो यहां पर आप ट्रिक यूज करना, क्या नाम है दीपक चहर के साथ कुछ टीम्स में रहमान, यानी 50% टीम्स में रहमान और 50% टीम में दीपक चहर तुषार देशपांडे, या कुछ टीम्स में रहमान तुषार देशपांडे, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। दीपक चहर भी आज के मैच में विकेट लेने की दावेदारी रखता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आज मे भी निकल जाए, अगर इनका टॉप ऑर्डर मिचेल मार्श और डेविड वॉर्नर दोनों को चलवा रहे हो, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में दीपक चहर को गायब रखना, क्योंकि ये तभी होगा जब दीपक चहर को विकेट नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो फिर इनको लेने का कोई इनको रखने का तभी फायदा होगा जब इसको नहीं लोगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ट्रिक यूज करना। बाकी तो ये था टोटल प्रेडिक्शन प्लेयर वाइज, एक एक सेक्शन मैंने आपको कंप्लीट करके बताया। अब आ जाओ थोड़ा सा इंपैक्ट प्लेयर की ओर, इंपैक्ट प्लेयर क्या होगा भाई, यहां से देखो ए पोरेल, ठीक है, जिनका विकेट कीपर सेक्शन आपको दिखने वाला है, ये आपको दिखेगा, हो सकता है ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस बने, थोड़ा सा यानी वन डाउन सेकंड डाउन आके आपको कुछ वैल्यू दे सकता है, वन डाउन या सेकंड डाउन आके। ठीक है, यहां से आ जाओ एम पथिराना भाई चाहे कहीं भी आए वैल्यू आपको देगा, ये भी आप मैक्सिमम टीम्स पर प्लेयर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ एम रहमान, दीपक चहर, इसके साथ ये इस तरह का कॉम्बिनेशन आप मल्टीपल टीम्स में क्रिएट कर सकते हो। तो ये था भैया टोटल प्रेडिक्शन इस मैच के लिए। अब आ जाओ फिक्स प्लेयर की लिस्ट, इस मैच में कौन से प्लेयर है जो हमारे फिक्स की लिस्ट में आ सकते हैं, अब डिपेंड करेगा टॉस के बाद एक आध प्लेयर अंदर बाहर जरूर होंगे, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे पहले देखो दिल्ली की तरफ से, दिल्ली से बात करें डेविड वॉर्नर मैक्सिमम टीम्स में फिक्स हो सकता है, बाकी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया डेविड वॉर्नर मिचेल मार्श ट्रिक यूज करके, अक्षर पटेल फिक्स रहेगा, ए नॉटेजी फिक्स रहेगा, साथ में खलील अहमद ये भी फिक्स रहने वाला, तो ये है दिल्ली की तरफ से। चेन्नई से बात करें रहाणे, ठीक है, आर जडेजा,
रहाणे बिल्कुल फिक्स रहेगा आज के लिए, जडेजा फिक्स रहेगा, एम रहमान में भी फिक्स रहे, बाकी एम पतिना तो बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो ये प्लेयर है फिक्स की लिस्ट में। अब आ जाओ ट्रंप कार्ड भाई, इनको वो ट्रंप कार्ड जो यस वाले जो रखने हैं, जो नहीं रखने हैं, ठीक है। ए आर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, टी डी इनको चलो मैं भी बताता हूं आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने क्योंकि मिट गया ना, ठीक है। तो ये यस वाले हुए हैं जिनको अपनी टीम में ट्राई करना है, और नो वाले हुए हैं जिनको ट्राई कम करना, परसेंटेज बहुत आई है, ठीक है। यहां से आ जाओ, क्या नाम है, दिल्ली की तरफ से आर्मी बोले तो रिकी पुजी, जैसे मैंने आपको बताया। ए एन बोले तो आपका नौटंकी, दोनों की चॉइस बहुत कम है, बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। यहां से आ जाओ, डी आर क्या था ये, ठीक है, आर को देखे, ए आर था सॉरी, ए आर रहाणे, बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए कामयाब प्लेयर बन सकता है। टी डी बोले तो तुषार देशपांडे, जैसे मैंने बोला दो विकेट लेने का टाइम इसका आ चुका है, आज के मैच में मिल सकती है, ठीक है। तो ये वो प्लेयर है जिनको अपनी टीम में आपको ट्राई करके चलना है, परसेंटेज बहुत कम है और आपको एक वन साइडेड विनिंग दिला सकते हैं। ये नो वाले हुए हैं जिनकी परसेंटेज बहुत हाई रहने वाली है, बट आप इग्नोर करने का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। एम एम बोले तो यहां से मिचेल मार्श, दूसरा आपका के वाई बोले तो कुलदीप यादव, परसेंटेज बहुत हाई रहेगी। यहां से बोले तो आर, आर बोले तो आपका रचिन रविंद्र, जैसे मैंने आपको बताया। डीएम बोले तो आपका डीएम बोले तो डैरल मिचेल। तो ये वो चार प्लेयर हैं जिनको ट्राई कम करना है, और जो पहले बता दें वो चार प्लेयर वो हैं जिनको आपको ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज करना है। तो भाई यहां तक की प्रेडिक्शन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पर कमेंट और लाइक में आपको क्यों बोलता हूं, वो इसलिए बोलता हूं क्योंकि भाई क्या नाम है, वीडियो पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, ना के बराबर, ठीक है। अगर आप लोग कोई कमेंट या फिर लाइक अगर करते हो, फ्री होता है बिल्कुल जल्दी, तो हमारी वीडियो थोड़ा सा और लोगों के पास पहुंचेगी और व्यू जाने के चांसेस थोड़ा सा हाई होता है, इसलिए आपको बोलते हैं, अदरवाइज कोई पैसा नहीं मिलता इस चीज का, ठीक है। तो ये था, बाकी अब देखो भाई फाइनली कैप्टन और वाइस कैप्टन, इस मैच के लिए कौन से प्लेयर है जिनको आपको ट्राई करना है कैप्टन वाइस, मल्टीपल टीम्स बनाओगे तो ही आपकी काम कर पाएंगी चीजें, इस चीज को माइंड में रखना, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली की तरफ से देखो तो ऋषभ पंत को थोड़ा कमी सजेस्ट करूंगा, डेविड वॉर्नर एक प्लेयर है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। यहां से बात करें गैकवार थोड़ा कमी सजेस्ट करूंगा, मगर शिवम दुबे है जो मिडल ऑर्डर मार के बड़ी तेजी से रन मार के जा सकता है, स्पेशली बैट फर्स्ट में। रचिन रविंद्रा को कमी थोड़ा कमी सजेस्ट करूंगा, बाकी रहाणे एक प्लेयर है, इसको भी आप टीम में जरूर कैप्टन ट्राई करना। यहां से बात करें मिचेल मार्श रखोगे तो सीधा कैप्टन, अक्षर पटेल, जडेजा, मिचेल, जडेजा अगर टीम बैट फर्स्ट करती है तो कैप्टन ट्राई कर सकते हो, बाकी अपने मिचेल ओवर को ट्राई थोड़ा कमी करना एज ए कैप्टन है वाइस कैप्टन। बॉलिंग से भैया ए नॉटेजी है जिसको अपनी टीम में वाइस कैप्टन तक जा सकते हो, अगर चेन्नई को हरवा रहे हो लो स्कोर के साथ तो नॉटेजी का आपका कैप्टन होना चाहिए। बाकी खलील अहमद, मुकेश कुमार सच नहीं कहूंगा, एक एम पथिराना है आएगा, तो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन आप ग्रैंडी की टीम्स में जा सकते हो। तो भाई ये था टोटल प्रेडिक्शन इस मैच के लिए, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो आपकी टीम बनाने में। बाकी वीडियो कैसे लगी वो तो जरूर बताना, लाइक नहीं करा तो कर देना बिल्कुल फ्री है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, और जो लोग फेसबुक पर देख रहे हो वो पेज को लाइक करके जाना, ठीक है। तो ये था भैया इस मैच के लिए इतने टोटल प्रेडिक्शन, बाकी विजन डाउनलोड अभी तक नहीं किया हो तो भाई कर लो, उस ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, साथ में रेफरल कोड चंद123 यूज करोगे 500 रुपीज का वेलकम बोनस मिल जाएगा, जो आपके लिए काफी इनफ हो खेलने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और पहली वाली वीडियो हमारी जरूर देखना, मिलते हैं टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।